हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वेब ऑफ सोशियोलॉजी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता वेस्ट बंगाल से जो पीएचडी एडमिशन 2023 से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपडेट किया गया उसके बारे में फुल डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे और कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में भी बताऊँगा। तो फिर चलिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में। जैसे कि देख सकते हैं, ये जादवपुर यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो नोटिफिकेशन पाने के लिए आपसे करना क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन दिया गया एडमिशन का, तो आप सभी को इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। करने के बाद में कुछ इस तरीके इंटरफेस हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है, नोटिफिकेशन एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम आज 2023। तो आप सभी को इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। करने के बाद में कुछ इस तरीके लिस्ट ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक हेयर फॉर डिटेल का ये जो ऑप्शन दिया गया, आप सभी को इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए। करने के बाद में कुछ इस तरह पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम 2023। ये जो नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है 21/06/2023 को। ओके, ये भी देख सकते हैं एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल्स फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम इन द डिपार्टमेंट्स ऑफ डिपार्टमेंट चेकआउट कर लेते हैं, बंगाली, कॉम्पिटिटिव लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, एडुकेशन, इंग्लिश, फिल्म स्टडीज, हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, फिलोसफी, फिजिकल एडुकेशन, संस्कृत एंड सोशियोलॉजी में वैकेंसीज निकल के आई हुई है। और कितनी वैकेंसीज निकल के आई हुई है ये भी थोड़ी देर बाद में मैं आप सभी को दिखाऊंगा। नेक्स्ट देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है पीएचडी प्रोग्राम के लिए। मैं आपसे ये बता देता हूँ, अगर आपके पास में 2 साल का मास्टर्स डिग्री है और मास्टर्स डिग्री में अगर 55% मार्क्स है रिलेवेंट सब्जेक्ट में, तो आप सभी इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं 5% रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा मार्क्स में जितने भी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी एंड डिफरेंटली एबल, उन सभी के पास अगर मास्टर्स डिग्री है रिलेवेंट सब्जेक्ट में और मास्टर्स डिग्री में अगर 50% मार्क्स भी है तो भी वो सभी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन चेकआउट कर लेते हैं। कैंडिडेट शुड अप्लाई इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। आप सभी को वेबसाइट के थ्रू से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, यानी कि आप सभी को ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है। ओके, कैसे अप्लाई करना है और कहाँ से फॉर्म डाउनलोड करना है वो भी थोड़ी देर बाद में मैं आप सभी को बताऊँगा। नेक्स्ट हमें देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी चेकआउट कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी ₹500 पर सब्जेक्ट, यानी कि हर एक सब्जेक्ट के लिए ₹500 एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है सभी कैंडिडेट्स के लिए, जो कि आप सभी को ऑनलाइन मोड में पेमेंट करना है एसबीआई कलेक्ट सिस्टम के थ्रू से, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू से आप सभी एप्लीकेशन फ़ी जो है पेमेंट कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट देख सकते हैं आफ्टर पेमेंट द डाउनलोडेड फॉर्म अलोंग विथ अ ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट एंड ऑल टेस्टिमोनियल्स इज टू बी सबमिटेड, यानी कि एप्लीकेशन फ़ी जो है पेमेंट करना है सबसे पहले आप सभी को, उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में पेमेंट का रिसिप्ट और जितना भी टेस्टिमोनियल्स यानी कि डॉक्यूमेंट्स है वो आप सभी को अटैच करना है और आप सभी को इस एड्रेस पर सबमिट करना है। यहाँ पर देख सकते हैं टू द पीएचडी सेल 8 सुवर्ण जयंती भवन ग्राउंड फ्लोर जादवपुर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस कोलकाता 70032, इस एड्रेस पे आप सभी का जो एप्लीकेशन है सबमिट होना चाहिए। ओके, या फिर आप सभी को सेंड कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन पेमेंट इज 09/07/2023, ये पेमेंट करने का लास्ट डेट है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज 10/07/2023 अप टू 4:30 PM। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं 10 जुलाई 2023 लास्ट डेट रहेगा। ओके, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का यहाँ पर टाइम भी मेंशन कर दिया गया, 4:30 PM से पहले आप सभी के एप्लीकेशन फॉर्म जो है गिवन एड्रेस पे पहुँच जाना चाहिए या फिर सबमिट हो जाना चाहिए। ओके, यहाँ पे टाइम भी मेंशन कर दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको सबमिट करने का 11 AM to 2 PM एंड 3 PM to 4:30 PM एक्सेप्ट सैटरडे संडेज एंड हॉलीडेज। ओके, नेक्स्ट हमें देख सकते हैं यूनिवर्सिटी इज नॉट लाइबल फॉर एनी पोस्टल डिले, अगर कोई भी पोस्टल डिले होता है तो यूनिवर्सिटी इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। ओके, क्लियरली मेंशन कर दिया गया, इसीलिए अगर आप सभी पोस्टल के थ्रू से अगर सेंड करना चाहते हो तो जितना जल्दी हो सके एप्लीकेशन फॉर्म आप सभी को सेंड कर देना है। नो एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर ड्यू डेट, आफ्टर ड्यू डेट के बाद में कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स शुड बी अटैच विद द एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप सभी को अटैच करना है उसका लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। ओके, 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, देन अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल मार्कशीट्स, जितना भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी का अटेस्टेड कॉपीज आप सभी को अटैच करना है, जैसे कि माध्यमिक एडमिट कार्ड, सर्टिफिकेट फॉर वेरीफिकेशन ऑफ एज,
देन SC ST OBCA OBCB या फिर PD सर्टिफिकेट वेयर एप्लीकेबल, नेट और सेट और गेट सर्टिफिकेट इफ़ एनी। ओके, इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं, अ कैंडिडेट हु हैज़ अ 2 ईयर MPhil डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी अदर देन जादवपुर यूनिवर्सिटी विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी स्टेइंग दैट द सिलेक्शन टू द MPhil कोर्स हैज़ बीन मेड थ्रू अ रिटन टेस्ट। ओके, अदरवाइज वेबियर फ्रॉम WDET शेल नॉट बी ग्रांटेड। अगर आपके पास MPhil है तो आप सभी को रिटन टेस्ट में छूट मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोडेड फ्रॉम SBI सर्वर आफ्टर ऑनलाइन पेमेंट। SBI पेमेंट के SBI कलेक्ट सिस्टम के थ्रू से जो भी आप सभी पेमेंट करेंगे उसका भी रिसिप्ट आप सभी को अटैच करना है। ओके, अगर आपके पास MPhil डिग्री है तो उसका भी सर्टिफिकेट आप सभी को अटैच कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, कैंडिडेट शुड बी सेलेक्टेड थ्रू अ रिटन टेस्ट ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन, 2.5 आवर्स फॉर इकोनॉमिक्स एंड एन इंटरव्यू टू बी हेल्ड इन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। यानी कि टोटल देख सकते हैं यहाँ पे रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू के थ्रू से ही आप सभी का सिलेक्शन किया जाएगा। टोटल 2 स्टेप यहाँ पे रखा गया है। ओके, रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू, यहाँ पे देख सकते हैं, द कैंडिडेट्स Who has an MPhil regular 2 year course degree and was admitted to the MPhil program through a written test or have qualified NET or SET or GATE shall be entitled to GATE exemption. अगर आप ये क्राइटेरिया अगर फॉलो करते हो तो आप सभी को एग्जेम्पशन देखने को मिल जाएगा फ्रॉम रिटन एडमिशन टेस्ट एंड शेल बी कॉल्ड डायरेक्टली फॉर एन इंटरव्यू। आप सभी डायरेक्टली इंटरव्यू में बैठ पाएंगे इफ सी और ही सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। अगर फॉलोइंग कंडीशन अगर आपसे मैच करते हो तो आप सभी को एग्जामिशन देखने को मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे देख सकते डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे पूरा डिटेल्स मेंशन कर दिया गया, डिपार्टमेंट देन MPhil एग्जामिशन फ्रॉम रिटन टेस्ट नेट सेट और गेट देन एग्जामिशन फ्रॉम रिटन टेस्ट यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। आप सभी डिटेल्स में चेकआउट कर लीजिएगा सब्जेक्ट वाइज। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अदर डिटेल्स में यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट मैं आपसे एक बता देता हूँ कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में यानी कि सब्जेक्ट्स में कितनी वैकेंसीज निकल के आई हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं सीरियल नंबर दिया गया है, देन डिपार्टमेंट, देन टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिया है, देन कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। कैटेगरी वाइज आप सभी अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर लीजिएगा, मैं सिर्फ डिपार्टमेंट और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी ही मेंशन करूँगा। ओके, बंगाली में देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 16, कॉम्पिटिटिव लिटरेचर 8, इकोनॉमिक्स 17, देन एडुकेशन 20, इंग्लिश 6, फिल्म स्टडी 6, हिस्ट्री 2, इंटरनेशनल रिलेशन 17, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 4, देन फिलोसफी 11, देन फिजिकल एडुकेशन 9, संस्कृत 13, सोशियोलॉजी 5। ओके, तो आप से वैकेंसी डिटेल्स अच्छी तरीके से चेकआउट कर लीजिएगा, यहाँ पे कुछ अदर डिटेल्स भी दिया गया है। ओके, अगर आप से चेकआउट करना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैं आपसे एक बता देता हूँ कैसे आपसे एक एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। ओके, आपसे एक बैक ऑप्शन पे चले आना है। बैक ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म का एक ऑप्शन दिया गया है, तो आप सभी को इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाउनलोड हो जाएगा कुछ इस तरीके का। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। ओके, यहाँ पे आप सभी को एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट करना है। ओके, मैं आपसे पूरा फॉर्म दिखा देता हूँ, स्क्रॉल डाउन करके पूरा अच्छी तरीके से आपसे फिलअप कर लेना है ये एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिएगा, पूरा डिटेल्स अच्छी तरीके से फिलअप कर लीजिएगा। करने के बाद में जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप सभी को अटैच करना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में। ओके, जितना भी टेस्टिमोनियल्स है सेल्फ अटेस्टेड करके आप सभी को अटैच कर देना है, फोटो कॉपीज, उसके अलावा एप्लीकेशन फ़ी का जो रिसिप्ट है वो भी अटैच करना है। ओके, और गिवन डेट से पहले आप सभी को सबमिट कर देना है गिवन एड्रेस पे या फिर सेंड कर देना है। तो पूरे डिटेल्स मैंने आपसे बता दिया है। ओके, कैसे आप सभी को एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है और कैसे डाउनलोड करना है और नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। ओके,
तो फिलहाल इस नोटिफिकेशन वीडियो में बस इतना ही है। अगर फर्दर कोई भी न्यू नोटिफिकेशन अपडेट होती है इसके रिगार्डिंग तो मैं आप सभी को अवेयर कर दूंगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर कोई भी क्वारी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और इसी तरीके का हायर एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ अगर पाना चाहते हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।